समय अच्छी जिंदगी दे सकता है, एक शानदार टीम का मालिक बना सकता है, रोल मॉडल लोग मानते हैं आपको, एक आर्थिक रूप से आपको समृद्ध बनाता है और सपनों को सच करने की ताकत रखता है। लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल राइटर हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में 15 लीडरशिप की क्वालिटियों को बताया है। अब इनको पढ़ेंगे तो लगेगा हमको पता नहीं, हम तो इस जीवन में सफल हो ही नहीं पाएंगे इसका मतलब। लेकिन ये जो बता रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े लीडर होते होंगे तो शायद उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती होंगी। लेकिन हमारे बिजनेस में तो हमने देखा है कि दिल का सच्चा आदमी हो और लगन हो उसमें, वो आदमी भी इस बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा बिज़नेस जो है टीम वर्क का है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने समझी है कि हमारे बिज़नेस में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप रोटी कमाने का तरीका किसी को सिखा देते हैं तो उसका पेट जीवन भर के लिए भर सकता है। हैं? और नॉट एवरी वन कैन हेल्प हिमसेल्फ, कोई आदमी अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता। सो गॉड क्रिएटेड, सो भगवान ने नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को बना दिया सो दे कैन टीच देम हाउ टू हेल्प देमसेल्फ, ताकि वो दूसरों को सिखा सकें कैसे वो अपनी स्वयं की मदद कर सकते हैं और जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? सो बहुत बधाई हो। इस बिजनेस में सबसे पहला काम हमें करना है अपने बिजनेस की, जहाँ से आपकी लॉग आईडी है वहाँ से जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। देखो दो लेग हैं आपकी, एक राइट है और एक लेफ्ट है। वैसे आपकी आईडी है तो जिम्मेदारी दोनों लेग की स्वीकार करनी है। लेकिन फिलहाल अगर हमें सिस्टम की सपोर्ट मिल रही है, अपलायन की मदद मिल रही है कि जहाँ पर वेल डेवलप लीडर तैयार हो चुके हैं उसके अलावा जहाँ होना बाकी है तो वहाँ फुल कंसंट्रेट करके भी आप कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें अपलायन का ऋणी होना चाहिए, सिस्टम का ऋणी होना चाहिए और फुल टाइम सपोर्ट करके जिंदगी में अभियान मान करके जिंदगी का उसमें डूब जाना चाहिए। क्या इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? जैसे वो जाएगा कहाँ, जैसे आपकी दो लेग हैं तो जा कहाँ रहा है, आप ही का तो है। जैसे आप यहाँ पर हैं, आपके दो बिजनेस सेंटर हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, और राइट में मान के चलो टीम बन चुकी है 100, 500, 1000, 500 जो भी है, यहाँ बनना बाकी है। तो अपलायन और सिस्टम ने इतना छूट दे दी कि आप अभी इसको सिस्टम के हवाले कर दो फिलहाल टेम्परेरी तौर पे, और इसमें डूब जाओ, उतर जाओ, कूद जाओ, इसमें डूब के उतर के। तो इसके मन में अब दो प्रकार के विचार आ सकते हैं कि गुरुजी खामखाम में मुझे मेरे नेटवर्क से अलग क्यों कर रहे हैं। अरे अलग नहीं कर रहे भाई, तुम्हारे जो कमजोर हैं उन कमजोरों की मदद करने के लिए कोई खड़ा होना चाहिए जिसका ध्यान इन्हीं पे बना रहे, इसके लिए तुम्हारी पोस्टिंग लगा रहे हैं। और जैसे ये भी मजबूत हो जाता है फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भी तुम्हारा और ये भी तुम्हारा, लो भैया हैंड ओवर करो और मौज करो, है ना, है कि नहीं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, और कभी भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा मन में नहीं रखना है। इग्नोर नहीं कर रहे आपको, मुझे एडिफाई नहीं किया जा रहा, मेरे बिना ही क्यों मीटिंग्स हो रही हैं इनकी, इसको बिल्कुल नहीं पालना है। ये थोड़ा बड़ा विशाल हृदय रखना है, और ये तो डेवलप हो रहे हैं खा कमा रहे हैं, इनको भी खाने कमाने का हक है कि नहीं ऐसे बताओ, तो इनकी मदद कोई करना पड़ेगा ना, लगना पड़ेगा ना इनके संग, लगना पड़ेगा नहीं लगना पड़ेगा तब तक इनसे अगर आपको। लेकिन आपके संग सिचुएशन दूसरी है, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है, आप यहां टाइम देना चाहते हो लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है, हैं? ऐसी हो सकती है। तो इसका समाधान क्या बता दें, आप यहीं लगे रहो और ये वाले टाइम मांगे तो इनको बोलना भाई आप भी यही चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूं, मेरा भी मन यही लगता है, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, मैं दुखी इसलिए हूं गुरुजी ने मेरी पोस्टिंग यहां कर रखी है, और आप जानते हो दुनिया में किसी की बात टाल सकता हूं, गुरुजी की बात नहीं टालता मैं।
और मैं भी आपसे यही सिफारिश करवाना चाह रहा था, एक काम करो तुम गुरुजी को समझाओ थोड़ा कि मेरी ड्यूटी यहाँ लगाएं ना कि वहाँ भेजें, है ना। गुरुजी को थोड़ा समझा लो यार, मेरा भी बड़ा दिल करता है उधर ही रहने का, मज़ा मुझे भी बहुत आता है, है हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो जे इसकी गुरुजी को समझाने की हिम्मत है, और हिम्मत होगी भी तो गुरुजी इसी को समझा देंगे कि नहीं समझा देंगे, है इसकी पोस्टिंग यहीं पर रहना जरूरी है कि नहीं, बोलो। इसको बोलना है मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता वहाँ, मेरा मन इधर ही लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, गुरुजी की बात नहीं डालते, आप भी नहीं डालते होगे ना, बोला हाँ नहीं मैं, तू समझाओ समझाओ गुरुजी। तो ये धीरे दो चार बार प्रयास करेगा फिर खुद ही समझ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि तो अगला नंबर इसी का है, ये जो ज़्यादा चौधराहट कर रहा है। गुरुजी बोले ओए तू इधर से भी फ्री है, अब तू इधर को लगा रहे, तेरे भी जरूरत नहीं है ना, तेरा भी नंबर इधर ही है, सोच समझ जाएगा अच्छा ऐसे पोस्टिंग हो रही है। और असल में बताओ जरूरत सही जगह पे लगाना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली मजबूत तो तभी बनोगे ना, और इनका भी कल्याण होना जरूरी है, और जैसे ही हरे भरे हो जाएं तो तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा, सब फ्री होना चाहते हैं है? क्या है डॉक्टर साहब, क्या बात बोली जा रही है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इशारे इशारों में कुछ तो बोलना चाह रहे हो है? चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के कोई गलतफहमी का शिकार तो नहीं होगा, कोई अपलायंस से नाराज तो नहीं होगा, रूठा राठी तो नहीं होगी, अरे बोले मेरा कि उधर माँ बुलाया नहीं गया, मेरा इनाम नहीं लिया गया, मेरा फोटो नहीं, अरे तुम यार इस पर थोड़ा फिलहाल लक्ष्मी जी पे ध्यान दो, इधर फोकस करो ठीक है, और इस लेग को बढ़ा दो, और इनको डेली धन्यवाद भेजना है अपलायन को, बोला सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इधर के लिए मुझे फ्री किया, और बहुत जल्दी मैं इधर का मीटर तान के दिखाता हूँ, है ना, बहुत जल्दी इधर का मीटर तान के इधर दिखाता हूँ, ग्राउंड पर काम करके दिखाता हूँ ठीक है जी। ये जिम्मेदारी की बात है, तो जैसे दो लेग की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी यहाँ की भी लेनी, यहाँ की भी लेनी है, फिलहाल तो यहाँ की पूरी ले लेनी है, पूरी ले लो और लेकर के आगे बढ़ जाओ दमदार तरीके से ठीक है। तो ये है, और दूसरा दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है, जैसे शुरुआत में खाद और पानी देना पड़ता है, नकारात्मक विचारों की आंधी से बचाना पड़ता है, और फिर वो पेड़ हमको फल देता है। कभी भी इस बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर हैं और आपके अपलायन के बारे में ये व्यक्ति कुछ खुसर पुसर कर रहा है, ये और ये आपस में, इसके बारे में तुरंत कान बंद कर लो, ये इसका है इसका हाथ, ये रहा ये कान में गया, ये कान में गया, सही है, तुरंत कान बंद कर लेना है, और उसको बोलना टाइगर साहब अभी चेक बढ़ा के दिखाओ, बाकी बात बाद में करते हैं, बात खत्म। तो कभी भी आपस में खुसर पुसर नहीं करनी, नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है, जिस शुरुआत में खाद और पानी देना पड़ता है, नकारात्मक विचारों की आंधी से बचाना पड़ता है, फिर वो पेड़ फल देता है। और खासतौर पर कोई डाउनलाइन का व्यक्ति है, उसके डाउट भी क्लियर करते रहने संग के संग, सही है, कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, जो भी डाउट है वो दूर करते रहिए, और खुले विचारों के साथ दमदारी के साथ काम करना शुरू करिए ठीक है जी। इसके अलावा ऊपर वाला सर दे के सरदारी देता है, यानी आप जिम्मेदारी की बात की जा रही है तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए। जिस तरह हमारे घर में सोनू मोनू दो आ गए, तो जब सोनू मोनू की जिम्मेदारी पूरी ले लेते हैं, कोई बाहर वाला लेगा या हम लेंगे जिम्मेदारी, बच्चे हमारे हैं कि नहीं, तो दोनों की जिम्मेदारी आप ले लेते हो, फीस की, स्कूल फीस की, खाने पीने की, कपड़ों की, शॉपिंग की, घर की, परिवार की, सारी की जिम्मेदारी जब आपकी सोनू मोनू की है, तो इसी तरह से आपके दो बिजनेस सेंटर हैं, एक सोनू और एक मोनू, दोनों की जिम्मेदारी आप ही की रहती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके बिजनेस में दमदारी के साथ बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए, कम से कम जितने भी टोपाज लीड रहे हैं अगले एक महीने का शेड्यूल बनाकर रखो, टोपाज एम्ब्रॉयडरी रूबी जितने भी हैं, एक महीने तक का कमिटमेंट बना के रखिए, और अपनी अपलायन को भेजिए गुरुजी ये मेरा कमिटमेंट है, इसमें कोई आप सलाह दे सकते हैं तो दीजिए। यू डू व्हाट इज रिक्वायर फॉर योर टीम, यू टेक इनिशिएटिव फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ टीम, ऑलवेज यूज कॉमन सेंस, लर्न टू मेक प्रेजेंटेशंस, लर्न टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशंस, क्रिएट मोर इंडिपेंडेंट लीडर्स, इनकी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस जो है, अपने बिजनेस में दमदार लीडर्स तैयार करते रहना है, हमारा बिजनेस जो है जिम्मेदारी स्वीकार करने का तो है ही है, लेकिन साथ साथ में एक काम और करने का है कि अपने बिजनेस में हमारा लीडर्स ढूंढने, हमें ट्रू लीडर्स ढूंढने हैं। हमारा बिजनेस क्या है कि
सोना ढूंढने की तरह से है, जैसे हजारों टन मिट्टी उठानी पड़ती है तब जाके थोड़ा सा सोना मिलता है, हजारों टन मिट्टी उठाने के बाद कोयले की खान में सोना मिलता है, तो सोना मिल जाता है जैसे खुश हो जाते हैं, रोते नहीं है कि इतनी सारा मिट्टी और कोयला उठाना पड़ा तब जाके थोड़ा सा सोना मिला, रोते नहीं है, खुश होते हैं। ऐसे ही सैकड़ों हजारों की टीम बनाने के बाद ही दमदार कुछ लीडर्स मिलते हैं जो हीरे की माफिक होते हैं और जो आपके बिजनेस को चमका देते हैं। तो 100, 200, 500 हजार की टीम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में और प्रकाश डालने के लिए मैं विजयपाल जी को बोलना जरूर चाहूंगा कि दमदार जो लीडर्स होते हैं और ये बिजनेस जो है आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स, अपने टीम में लीडर्स जो ढूंढने का बिजनेस है तो इसके ऊपर दमदारी के साथ प्रकाश डालेंगे ऐसे लीडर जिनकी टीम में आज सबसे ज्यादा लीडर्स हैं। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर विजयपाल सिंह जी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, बैठ जाइए। कैसा लग रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? हल्ला गुल्ला शोरगुल तो बहुत मचा लेते हैं लेकिन जो चीजें हैं वो एक एक चीज क्लियर हो रही है? बहुत टाइम ले लेके बता रहे हैं। जैसे यहां पर मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तीसरे बच्चे वाली बात पहले भी सुनी थी लेकिन ठीक से समझ में आ जाएगी, बात सही है कि नहीं? और भी कई सारी चीजें थी, ESBI जो चार क्वाड्रेंट वाली जो बात है वो पहले भी आप लोगों ने सुनी थी, किताब में पढ़ी भी थी, लेकिन क्या इस दृष्टिकोण से उसको समझा था हमने? वो क्लियर हुई अब, सच है कि नहीं? तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हम लोग। लोगों के बीच में रहकर के बिजनेस करते हैं, लोगों में रहकर के बिजनेस करना है, लोगों को साथ लेके चलने वाला बिजनेस है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको समझनी होती हैं, साथ में लेके चलना होता है। हमारे साथ में लोग तो बहुत आएंगे लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो हमारे साथ में लंबे समय तक चलेंगे, सच है कि नहीं? और उसके लिए एक एक चीज को बहुत क्लियर करके अच्छे तरीके से हमको समझाया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है। लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लोग अपने साथ में कैसे लोगों को लेके चलें, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ के लिए भी हमको जैसे लोग हैं पहले तो वैसे को ही हमें स्वीकार करना सीखना है, क्योंकि लोग तो लोग हैं। और इसमें मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई व्यक्ति इंसान है तो उसके अंदर कुछ अच्छाई होंगी तो कुछ बुराई भी होंगी, लेकिन व्यक्ति तो जैसा है वैसा ही होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है उसको देखना है, हम उसको दृष्टि चेंज करके देखें। एक जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे तीन लोग चाहिए, तीन व्यक्ति आ जाए, केवल कोई भी आ जाए, तीन बस तीन ही चाहिए, कुछ बुलवाऊंगा नहीं मैं। एक आप वापस ले जाओ, नहीं नहीं तीन ही है। अब जैसे ये है, ठीक है समझो इसको, और ये दो लोग हैं, आ जाओ इधर बराबर। अब ये व्यक्ति सपोज कीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। ये व्यक्ति ओम प्रकाश जी के बारे में बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश जी, ऐसे मुंह करो इधर, ओम प्रकाश जी बहुत मक्कार आदमी हैं, समझो बात को, ये बोल रहे हैं, इनके अंदर ये कमी है, ये कमी है। और ये अरुण जी बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, ओम प्रकाश जी बढ़िया हैं या खराब हैं जी? आप कैसे कह सकते हो भाई? ये तो ओम प्रकाश जी जैसे जैसे हैं वैसे ही हैं, ओम प्रकाश जी तो जैसे हैं वैसे ही हैं, ना तो बढ़िया है ना खराब है। खराब है तो खराब है और बढ़िया है तो बढ़िया है, ये तो जैसे हैं वैसे ही हैं। अब ये दो लोग हैं, एक बोल रहा है कि खराब है और एक बोल रहा है कि बढ़िया है, तो ये खराब और बढ़िया है कि इनका एटीट्यूड दोनों का खराब और बढ़िया है?
अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, इनमें दोनों में कौन बढ़िया है? अरुण, जैसे हम लेके चल रहे हैं, एक ही चीज को देख रहे हैं, नहीं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मांग रहे हैं, वैसे तो बढ़िया है ही, हाँ ऐसे खराब नहीं बता रहे, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ये खराब है, तो ये खराब नहीं है, ये किस दृष्टि से देख रहे हैं? इनके अंदर अगर 9 अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, तो ये 9 को ना देख के एक को देख रहे हैं, इसलिए इनको ये खराब दिख रहे हैं। और ये 9 को देख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर 10 में से 9 अच्छाई होंगी तो एक बुराई हो सकती है ना, क्योंकि अगर वो एक भी बुराई नहीं होगी तो भगवान बन जाएंगे, ये इंसानी तो हैं। तो सेम ऐसे ही अपलायन में कोई व्यक्ति उसकी एक कोई बुराई ढूंढ लेता है, उसको पकड़ के बैठ जाता है, और एक कोई व्यक्ति अच्छाई ढूंढ लेता है जो कि ढेर सारी अच्छाई होती है, और उसके आधार पर वो व्यक्ति काम कर जाता है। अब यहां पर हमको एक चीज डिसाइड करनी है कि हमारे साथ में चाहे अपलाइन में हो चाहे डाउनलाइन में हो, लेकिन अगर हम उनकी अच्छाई देखते हैं तो हमको वो अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ रिलेशन अच्छे बन जाएंगे, रिलेशन अच्छे बन जाएंगे तो हम जोड़ी बना पाएंगे, और जोड़ी बनाएंगे तो हम बड़ा काम कर पाएंगे, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। और जिस दिन अगर हमने उनके अंदर कोई कमी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि कमी तो कोई ना कोई होगी ढूंढ लोगे तो, लेकिन अगर देखना शुरू कर दिया तो उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर हम कमी देख रहे हैं तो उनकी बात नहीं मान सकते, उनके साथ हम जा नहीं सकते, जोड़ी बन नहीं सकती, एक दूसरे की टांग खींचेगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी, और जोड़ी नहीं बनेगी तो कोई काम होगा नहीं। यस और नो, बात सच है कि नहीं? समझ रहे नहीं समझ रहे? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये खराब और बढ़िया ये नहीं है, ये तो जैसे हैं वैसे हैं, ऐसे ही आपका अपलाइन जैसा है वैसा है, आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं वो जैसे हैं वैसे हैं, खराब और बढ़िया हमने बना रखे हैं और कोई अंतर नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात आपको समझनी है कि जैसे यहां पर हमको ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा लीडरशिप का बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लीडर्स इस दुनिया में भरे पड़े हैं। पहली बात तो हमने एक बात यहां पर सीखी कि लीडर्स जो है वो ढूंढे जाते हैं, जैसे मोती को ढूंढा जाता है, जैसे सोने को खदान में से निकाला जाता है ढूंढा जाता है, वैसे ही लीडर्स भी ढूंढे जाते हैं, लीडर्स भी ढूंढे जाते हैं, लेकिन उनकी एक प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, हमारा सिस्टम जैसे जैसे एक्टिविटी बताता है, अगर उसमें हम लोगों को लाके बिठाएंगे तो लोगों को लाके जब बिठाएंगे तो वहां पर फिर पता चलता है कि ये व्यक्ति कितनी इसमें जोश है, कितनी इसमें संस्कार है, कितना ये काम करना चाहता है, कितना क्या कमिटमेंट के साथ ये करना चाहता है, तो वहां उसकी लीडरशिप क्वालिटी जो निखरना शुरू होती है। जैसे डायमंड की प्रोसेस होती है, उसको क्रेशर में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है सोने को, तब निखरता है, तभी तो असली रूप में आता है। यस और नो? तो ठीक वैसे ही जब यहां पर लीडर्स आएंगे, जब लोग आएंगे, तो हम भी यहां पर एक प्रोसेस में हैं और इन्हीं में से लोग निकलेंगे। तो किसी के बारे में प्रीजज करने के बजाय आप लोगों को सिस्टम की एक्टिविटी में जितना डाल सकते हैं उतना डालें, और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरी टीम में ज्यादा लीडर होने चाहिए, ऐसे कोई जानना चाहता है, तो फिर ज्यादा लोगों को भर भर के आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो एवरेज के आधार पर मिलेंगे। यस और नो? सच है कि नहीं? और जल्दी लीडर चाहिए तो भी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। हमने अपना जो एक सोचने का तरीका है, जिस लीडर ने वो चेंज कर रखा है, जो जिस दृष्टि से इस बिजनेस को देख रहा है, वो उन लोगों तक पहुंचता है, लोगों को आइडेंटिफाई करता है, लोगों से प्रश्न करना, लोगों से पूछना, लोगों का कमिटमेंट लेना, ये आपको ट्रू लीडर तक पहुंचाएगा। लोग जैसे रज्जक वाली बात बोली, आपको समय समय पर कोई एक व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे पैमाने होंगे, बहुत सारे समय आएंगे ऐसे जब आप लोगों से बात करोगे तो कोई एक व्यक्ति होगा जो लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाता होगा, यस बोलता होगा, वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत लंबे समय तक चल सकता है। कोई व्यक्ति आपके मुंह पे हो सकता है कुछ भी बोलता हो, लेकिन पीछे में आपके पीछे आपकी बहुत बड़ाई करता होगा,
आपकी बात को मानता होगा, दिल से मानता होगा, वो व्यक्ति सच्चा हितैषी होगा और सच्चा साथ में चलने वाला व्यक्ति बन सकता है, आपके लिए एक लीडर बन सकता है। ये ऐसे ही नहीं मिलेंगे। मैंने काम करना शुरू किया तो शुरुआत में, क्योंकि इतना ज्ञान और इतनी जानकारी किसी को नहीं होती बिजनेस के बारे में, हम लोग सादाबाद से आगरा में ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे, तो हमारे लिए यहाँ आना भी पहले बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम दूर कहीं गए नहीं, तो कैसे भी करके हम आते थे, ट्रेनिंग यहाँ पर होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके फिर हमने नेटवर्क बनाना शुरू किया सादाबाद में, और वहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग और प्लान सर ने जैसे बताया उस हिसाब से वहाँ करना शुरू कर दिया। वहाँ हमने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। हमको बताया गया कि आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको चेयर लगानी है और आपको वेन्यू की पूरी व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, ग्लास की व्यवस्था करनी है, एक प्रोजेक्टर, हमको स्लाइड प्रोजेक्टर आता था, बोला ये आपको ये चलाना है, और वहाँ हमने लोगों को लाना शुरू कर दिया सर वहाँ पर प्लान देने के लिए और फॉलोअप करने के लिए भी, कई बार वह तैयार रहते थे। तो उस समय हमको पता नहीं रहता था, लेकिन सर ऐसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे वॉच करते थे और फिर बोलते थे कि ये वाले बंदे को एंकरिंग देनी है, और कुछ भी देखते होंगे ऐसे लगता है ना, एक्टिविटी से पता चलता है, इनको प्लान देने के लिए आगे करना है। तो हमने कई सारे लोगों को आगे किया, कई सारे लोगों को, और उसमें से लोग आगे निकल के आए भी, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसे प्रोसेस में लोगों को डालेंगे तो उसमें से कई बार लगेगा कि ये बंदा दमदार है, लेकिन हो सकता है वो भी बहुत लंबे समय तक दम नहीं दिखाए, लेकिन इतना दम जरूर दिखाएगा किसी दमदार तक आपको पहुंचा देगा। और हमने सालों साल तक काम किया, सालों साल तक काम किया। हम लोगों को समझते थे कि ये जो लीडर हैं ये बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और कुछ लोग भोले भाले बैठे रहते थे सालों तक काम करने के बाद, उनका कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं था, जानकारी नहीं थी, और हम लोग भी नहीं पहचान पाते थे। लेकिन लीडर तो लीडर होता है, अपने आप निकल के तो आता है कि नहीं आता है, यस और नो। तो जब उसी प्रोसेस में जब हम लगे रहे तो एक दिन जब उन्हीं लोगों के माध्यम से जसवीर जी के साथ में जब हम पहुंचे, तो मेरे ख्याल में एक साल बाद तो उनकी ज्वाइनिंग ही हुई थी, और जब काफी हजारों लोग आ गए थे, मेरा अच्छा लेवल भी बन गया था, उस समय जसवीर जी से मुलाकात हुई। और जब जसवीर जी से मुलाकात हुई तो उस समय तक ये स्टेज पर नहीं आते थे, स्टेज पर प्लान देने वाले दूसरे लोग थे, इनका किसी कैटेगरी में कोई नाम नहीं था, लेकिन उन लोगों के माध्यम से ही इन तक हम पहुंच गए। और जब ये इनके अंदर एक क्वालिटी थी, इनके अंदर क्वालिटी ये थी कि ये करना चाहते थे, किसी भी हालत में करना चाहते थे, ये भी एक अच्छे लीडर की या ट्रू लीडर तक पहुंचने की एक खोज है, एक बात है ये कि आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो आप अपने टीम में ऐसे लोग ढूंढिए जो करना चाहते हो, किसी भी हद तक करना चाहते हो। ये आपको बात करके पता चलेगा, जब आप लोगों से बात करेंगे तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, कहीं नौकरी में, कोई फुल टाइमर होगा, कोई अपनी दुकान चलाता होगा, कोई कुछ करता होगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उनके साथ जब आप बैठेंगे और उनको जब सिस्टम की बात करेंगे, तो उनकी बातों से और प्रश्न से जैसे जैसे वो करने के लिए तैयार होते हैं, जो जवाब देते हैं, उससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे साथ में लंबे समय तक चल सकता है। और हम लोग फिर जब ऐसे करके करते थे, फिर हमको बताया कि आपको ये काउंसलिंग के लिए लेके आने हैं और आपको ये ट्रेनिंग में लेके आने हैं। तो किसी भी व्यक्ति को रेगुलर, अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में आ रहा है, रेगुलर किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है और हर हालत में प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को रखता है, वो व्यक्ति भी आपके साथ लंबे समय तक काम करेगा। फालतू के सवाल जवाब अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, बात को सिर्फ मान लेता है, वो व्यक्ति भी आपके लिए ट्रू लीडर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो सिस्टम की बेसिक जो क्वालिटीज हैं, जो रिजल्ट, जिनसे रिजल्ट निकलता है, उन कामों को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार रहेगा और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेगा, तो वो व्यक्ति भी आपके लिए लंबे समय के लिए ट्रू लीडर साबित हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जब आप लोगों के साथ मिलकर के उनके साथ उनको साथ लेके चलते हैं, तो बहुत सारे लोग लगातार 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 आपके साथ चलते चले जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग पीछे छूटते चले जाते हैं, कुछ लोग उनके माध्यम से और नए जुड़ते चले जाते हैं।
और आपके साथ में एक लीडरशिप की एक टीम बनना शुरू हो जाती है। एक टीम तो आपकी टोटल टीम होती है, एक टीम आपकी, जैसे आपको बोला जाता है कि टॉप 20 अपने लोगों को छांटिए, आप टॉप 10 छांटिए, फिर उसको टॉप 25 कीजिए, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके साथ में एक लीडरशिप, एक जिम्मेदार पर्संस, एक प्रायोरिटी पे काम करके रखने वाले लोग, एक सीखने वाले लोग, किसी भी सिस्टम की एक्टिविटी को अटेंड करने वाले लोग, हर तरह से आपकी बात को मान करके चलने वाले लोग, वो आपके साथ में मिलना शुरू हो जाते हैं और वही आपके लिए भविष्य में लीडर साबित होते हैं। तो कुल मिला के जो निबंध आएगा, तो निबंध तो वहीं गाय पे ही लिखा जाएगा, वही सिस्टम के चारों तरफ घूम घाम के हम वहीं आ जाएंगे। जो सर ने जहाँ पर जो क्वालिटी बताई है, अगर इन चीज़ों को व्यक्ति मानता है, बहुत लंबी कहानी है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है, अगर इन्हीं चीज़ों को मान के जब लगातार लगातार काम करता है, तो वही व्यक्ति फिर आपके लिए लीडर साबित होता है। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि सिर्फ जोश से कुछ नहीं होता, जोश से होगा लेकिन सिर्फ जोश से नहीं होगा, जोश भी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ समझदारी भी चाहिए, उसके साथ साथ कॉमन सेंस भी चाहिए, उसके साथ साथ मेहनत भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको सिचुएशंस के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अभी आपके पास में किस तरह का व्यक्ति है आपके साथ में, हो सकता है कोई दमदार व्यक्ति है तो दमदार तरीके से टीम बनना शुरू हो सकती है, लेकिन कोई एक कमजोर व्यक्ति है तो आप उसके साथ लग जाएंगे तो आप तो दमदार हैं, तो आपका बल उसको मिल जाता है, आपका बल उसको मिल जाता है। आप सपोज करो कि आप यूपी में हो और योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, अगर वो बोल दें कि मेरा हाथ रखा है तेरे ऊपर, जा तू कुछ भी करके आ जा, कुछ भी कर देंगे नहीं कर देंगे? क्यों? एक दमदार व्यक्ति का हाथ है, यस और नो? ऐसे ही अगर अपने टीम के बंदे के साथ अगर आप होते हैं, आप हाथ रख देते हैं, तो वो काम करना शुरू कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग लिस्ट को, जैसे यहां पर लिस्ट बनाने के लिए बोला था, वैसे तो किसी भी प्रोफाइल से कोई भी व्यक्ति निकल के आ सकता है, उसके लिए कोई प्रोफाइल या पैसे वाला, गांव में पैदा होने वाला, शहर में पैदा होने वाला, ये कोई चीजें मायने रखती नहीं है, व्यक्ति कहीं से भी निकल के आ सकता है। लेकिन फिर भी कुछ छटनी होती है मार्केट में, अगर हम चाहें तो हम लोग लिस्ट में पहले एक अच्छे प्रोफाइल वाले लोगों को छांट लें। ये बिजनेस हमारा अच्छे प्रोफाइल में चलने का बिजनेस है। अगर हम एक व्यक्ति को, सपोज कीजिए कि अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बनाई और ये 100 लोगों में से आपने इसको स्टार रेटिंग देकर के, अगर यहां सपोज करो आपके 20 लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल अच्छा है, या आप अपनी टीम में भी छांट सकते हैं। अभी एक इसको दूसरे तरीके से देखो, सपोज कीजिए कि आपके पास एक टीम है, आप सब लोग लीडर हैं, उनमें से अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो एक ठीक अच्छे प्रोफाइल का होगा, आप उस बंदे की 100 लोगों की लिस्ट बनवा लो जो अच्छे प्रोफाइल के हैं। अब ये 100 लोगों की लिस्ट बनवाएंगे, इसमें 20 लोग आपके अच्छे प्रोफाइल के हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब ये 20 लोगों को आपको स्वयं उनके साथ जाके जोड़ी बना के प्लान दिखाना है, ठीक है? इनको प्लान दिखाएंगे तो 80-20 के रूल के हिसाब से देखें तो 16 लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है? अब ये 16 लोग जुड़ेंगे, अगर ये 16 लोगों की, अगर 100-100 लोगों की हमने लिस्ट बनवा दी तो टोटल कितना होगा? 1600। तो यहां से आप हाई प्रोफाइल में चले जाएंगे। यहां से कहां जाएंगे? आपका बिजनेस हाई प्रोफाइल में चला जाएगा। हाई प्रोफाइल में जाने से क्या होगा? ये जो छोटी छोटी बातें करते हैं, जब बिजनेस अगर इनकी समझ में आ गया, अगर इनकी समझ में आ गया तो ये बहुत बिजनेस को उठा देंगे, समझ में नहीं आएगा तो करेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगा बिजनेस, तो ये पूरे बिजनेस को हाई प्रोफाइल में ले जाने से फायदा ये होगा कि ये कंट्रीब्यूशन की दिक्कत नहीं आएगी, इनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की दिक्कत नहीं आएगी, और जब जहां जहां ये लेके जाएंगे तो फिर ये अच्छे प्रोफाइल में आपको लेके जाएंगे। तो यहां पर लीडर्स ढूंढना, क्योंकि ये एजुकेटेड होंगे, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे, यस और नो? वे पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे? इन्होंने बाहर रह के भी पढ़ाई की होगी, ये संस्कारित व्यक्ति भी होते हैं,
ये नपीतुली बात भी बोलते हैं, ये फालतू में ऐसे ही कूद कूद करके कोई हल्ला नहीं मचाते। लेकिन जब आप यहां बिजनेस को ले जाते हो तो आपका बिजनेस एक सिक्योरिटी की तरफ जाता है, श्योरिटी की तरफ जाता है। यहां बिजनेस करना फिर बहुत आसान है, एक बार एंट्री लेना यहां मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप बिजनेस करोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको एक अच्छे प्रोफाइल में ले जाने के लिए बिजनेस को इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे ही हम शुरुआत करेंगे तो फिर यहां पर लीडर ढूंढना आसान हो जाएगा, लीडर ढूंढना यहां पर आसान हो जाएगा। क्योंकि ये हो सकता है कि वहां पर भी किसी टीम को लीड करते हो, ये हो सकता है वहां पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो सकता है इनके पास दूसरी जगह भी कोई एक टीम हो, दूसरी जगह कोई एक ऐसा बड़ा ग्रुप हो जिसके ये वहां खुद लीडर हो, और ऐसे ग्रुप में एंट्री लेने के बाद आपका बिजनेस आसानी से चलता है। आप देखिए, मुझे अच्छे से याद है, कई ग्रुपों ने आर्मी में एंट्री ले ली, उनके साथ आर्मी के लोग जुड़ गए, कई लोगों ने पुलिस में एंट्री ले ली, उनके पास पुलिस वाले जुड़ गए, कई लोगों ने रेलवे में एंट्री ले ली, उनके पास रेलवे वाले जुड़ गए, और कई लोगों ने एक गांव में एंट्री ले ली, वो गांव में ही बैठा है, तो उसके साथ क्योंकि वो किसान है, हर व्यक्ति को वहां परेशानी होती है। तो आप जब ऐसे ग्रुपों में निकलेंगे, ऐसी जगह पर जब आप जाएंगे, अच्छे प्रोफाइल में जाएंगे, तो आपको लीडर ढूंढना भी आसान हो जाएगा। और 100 बातों की एक बात, जब भी जैसे भी लोग जुड़ेंगे उसको आप प्रोसेस में डाल दो, सिस्टम की प्रोसेस में, वो प्रोसेस में डलेगा और दम होगा तो वो निकल के आएगा और आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ ये कर सकता है, हाँ ये कर सकता है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है आप घर पे ना कर पाए, हो सकता है आप कहीं छोटी मीटिंग में ना कर पाए, कई लोग छोटी मीटिंग में आइडेंटिफिकेशन होगा, और कई लोगों का ऐसे एलडीपी में आने के बाद भी आइडेंटिफाई होंगे लीडर, यस और नो, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कई लोगों के अंदर क्षमता होती है, क्षमता होती है, लेकिन वो तब तक नहीं उबाल पे आते जब तक कि वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाएं, और वहां आपकी छोटी सी जो धीरे धीरे करके अग्नि जलती है वो उसको गर्म कर नहीं पाती, लेकिन जब यहां पर उसको ताप मिलती है तो फिर जब गर्म होता है और वो लीडर निकल के आ जाता है, यस और नो। तो कुछ